हेलो गाइस, मैं आज आपको दिखाऊंगा 12 mm इंडिको जो रूडर आता है, जो बहुत मल्टीपर्पज़ रूडर होता है, डिजाइन के और सारे काम करने के काम में आता है। क्योंकि तो ज़्यादातर लोग बार सारे सिस्टम को लेके चलते हैं, जैसे कि मान के चलिए कोई मोल्डिंग बनानी हो, किसी में अगर प्लाई डालनी हो उस झेरी के लिए काम आता है, जैसे कि आपको कोई डिज़ाइन निकालनी हो उसमें काम आता है। कम से कम इसके 150 बिट आते हैं जो हमारे डिज़ाइन में बनाने के काम आते हैं। वो एक ही मल्टीपर्पज़ रूडर होता है जो हमारे रूडर में लगते हैं, और मैं आपको दिखाता हूँ कि कौन से रूडर में लगते हैं और कैसे काम करते हैं, क्योंकि उन चीज़ों को सारी चीज़ ज़रूरी होता है। और मैं दिखाता हूँ 12 mm रूडर इंडिको का, जिसमें हम सारी चीज़ें चला सकते हैं और सारी डिज़ाइने हम बना सकते हैं, क्योंकि इन चीज़ों को बनाना ही एक हमारी कला होती है। एक कारपेंटर के लिए बहुत अच्छे से अच्छा काम करना ही अच्छा होता है, क्योंकि वो जितना अच्छा काम करेगा उतना ही अच्छा उसके लिए रिस्पॉन्स आता है। क्योंकि ज़्यादातर काम जो पहले हम मोल्डिंग कर बनाते थे, हाथ से बनाते थे, कार्बिन करते थे, वो भी हाथ से करते थे, आज हमारे लिए बहुत सुविधा से सुविधा हो चुकी है, क्योंकि हमारे पास रूडर इंडिको का आ चुका है। क्योंकि इंडिको रूडर आज से नहीं, करीबन 5 साल से लगातार हमारे मार्केट में छाया हुआ है। मैं इंडिको रूडर का आज एक एक पार्ट आपको दिखाऊँगा कि इंडिको रूडर काम कैसे करता है और कैसे इसे यूज़ किया जाता है। ओके गाइस, आप मेरी वीडियो को देखते रहिए, लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए और सब्सक्राइब करते रहिए। हम आपको दिखा रहे हैं इंडिको रूडर का जो आपका बैक पैक आता है, इस बैग में आपको दिखाते हैं क्या क्या चीज़ होता है, कैसे कैसे खुलता है, कैसे कैसे इंस्टॉल करते हैं। सबसे पहले हम इंडिको के रूडर को आपको टेस्ट दिखाते हैं। इस इंडिको के रूडर में सेम लिखा होता है, इंडिको से करें घंटों का काम मिनटों में, क्योंकि ये ज़रूरी होता है। क्योंकि ऐसा नहीं होता है कि वास्तव में ही हकीकत यही है कि इंडिको एक रूडर ऐसा बना हुआ है जिसका घंटों का काम मिनटों में कर सकते हैं। और मैं आपको इंडिको को इनबॉक्स करके दिखाता हूँ कि सबसे पहले इसका एक बैग आता है, ये कैरी बैग होता है। सबसे पहले हम इसको निकाल देते हैं, उसके बाद में हम इसको इंडिको का जो मेन रूडर होता है, देखिए आपका इंडिको लिखा हुआ है, इसके कॉक पे भी इंडिको लिखा हुआ है। इसके बाद में हम इंडिको का रूडर को हम रीओपन करते हैं। रूडर में एक सबसे मेन चीज़ होती है, एक वारंटी कार्ड निकलता है, जो आपका 6 महीने की वारंटी होती है इसमें। एक इसकी एक कैटलॉग निकलती है, अगर कोई भी दिक्कत आती है तो आप इसमें बुक कर सकते हैं। दूसरी चीज़ इंडिको रूडर में, सबसे पहले मैं आपको रूडर निकाल के दिखाता हूँ, ये देखिए। क्योंकि इंडिको रूडर एक ऐसा है जो मैंने आज 5 साल से तो मैं यूज़ करता था, क्योंकि इसमें कभी कोई चांस खराबी का नहीं आया है। इसको मैं आपको ओपन इनबॉक्स करता हूँ, ये देखिए। इंडिको रूडर को इनबॉक्स करने का तरीका यही होता है, क्योंकि इसमें ख़ास तौर पर ये इंडिको का पूरा सिस्टम बना हुआ है। इसमें जो भी सिस्टम है आप देख सकते हैं, इंडिको है 12 12 12 है, इसमें सारी चीज़ें हैं। 6 महीने की वारंटी भी दी हुई है इसमें, जो 6 महीने की वारंटी भी दी हुई है। इंडिको 12 mm रूडर बोलते हैं, ये 220 होल में होता है आपका। इसका रनिंग 2101 मिनट में 2100 इसके राउंड होते हैं। ये सारा सिस्टम इसके साथ होता है। इसके साथ में कुछ चीज़ें आती हैं, जैसे कि मान के चलिए एक आपका बॉक्स के साथ में ये ठिया आता है, दूसरा इसका एक दूसरा ठिया भी आता है जो गोल में चलता है, तीसरा इसका एक जो आपका साथ पेचकस आता है, चौथा इसके साथ में एक बिट के कैप कवर आता है जो आपके साथ में काम करता है, चौथा इसके साथ में एक चाबी और एक इंडिको रूडर का ठिया का रॉड आता है। ये आप देख सकते हैं सारे सिस्टम में, सारे काम में आपको सारे सिस्टम दिखाता हूँ। अब मैं दिखाता हूँ इंडिको रूडर काम कैसे करता है। इसमें कुछ खास चीज़ें दी हुई हैं, पहले के रूडर में तीन जो उसमें अलग दी हुई हैं, जैसे कि मान के चलिए एक इसकी ये प्लेट दी हुई है। ये प्लेट आपके इसलिए काम करती है, जैसे कि मान के चलिए किसी के आँख में धूल कपड़ या कीड़ा वो चला जाता है, तो हमारे साथ में बहुत ज़्यादा काम करती है। क्योंकि हम जब भी रूडर चलाते हैं तो इसको यूँ करके कर सकते हैं, और हमारी आँखों में इसमें कोई उसका कचड़ा नहीं आता। और मैं इसको जब चलाता हूँ तो मैं आपको दिखा रहा हूँ, इसमें 3-4 चीज़ें एक्स्ट्रा दी हुई हैं। जैसे मान के चलिए इसमें एक फोकस लाइट दी हुई है जो आपके बिट के पास में रोशनी देती है, क्योंकि कोई चीज़ हमारी गड़बड़ तो नहीं जा रही है इसके लिए। तीसरा इसमें एक बटन, एक मल्टीपर्पज बटन दिया हुआ है जो आप देख सकते हैं, इसकी स्पीड भी बहुत होती है। और इसके साथ में एक चुटकी इसके लिए होती है जो आपके बिट के लिए बांध सकते हैं। तीसरी चीज़ इसके साथ चाबियाँ जो होती हैं वो इन बोल्टों के लिए होती हैं, क्योंकि इन्हें सेट कर देते हैं हम और सारे काम यही करता है। उसके बाद में एक चाबी जो होती है वो इसके आपके साथ में दिखा रहा हूँ, चाबी को भी इनबॉक्स करता हूँ। ये
कुछ चीज़ें होती हैं समझ में ना आने, तो मैं आपको इसलिए वीडियो आपको दे रहा हूँ क्योंकि ये चाबियों का काम ही ऐसा होता है, क्योंकि दो चाबियाँ इसके साथ इसीलिए दी होती हैं क्योंकि जैसे मान के चलिए इसका जो बिट बांधने का थिया होता है, एक चाबी इसके लिए होती है, दूसरा इसके लिए होती है। क्योंकि इसको जब हम खोलते हैं तो यहाँ से हमारा ये बॉक्स निकल जाता है और जब भी हमें लगाना होता है तो इसमें हम लगा के और इसमें बिट फंसा कर आपको दिखाता हूँ कि इसमें बिट कैसे बांधते हैं। सबसे मैजिक क्या होता है, ये बिट होता है, इसमें आप डाल सकते हैं कोई सा बिट में, इसकी जो रॉड होती है इसकी लेवल की होती है। उसके बाद में आपकी दोनों चाबी इसी काम करती हैं कि ये चाबी इसीलिए होती है क्योंकि हम इसका बिट हम टाइट कर सकते हैं। यहाँ से देखिए हमने इसका बिट को टाइट कर दिया, अब ये बिट निकल नहीं सकता क्योंकि अगर निकलेगा तो हमें कुछ हमारी गड़बड़ कर सकता है सारी चीज़ें और सारा सिस्टम को हमारा ख़राब कर सकता है, इसीलिए हम इसको बिट में बिट टाइट करते हैं। ये देखिए यहाँ से हमने इसे टाइट कर दिया, अभी बिट हमारा निकलेगा नहीं। और देखिए इस पर रोशनी जो पड़ रही है हमारी फोकस इसी का इसी पे आता है क्योंकि हम जब सारी चीज़ें कंप्लीट कर देते हैं, देखिए हमारे बिट को ये करके भेजता है तो हमारा सारा काम हो जाता है और हम इस इंडिको के रूडर से कोई भी काम कर सकते हैं, कार्बन कर सकते हैं, प्रूफ कर सकते हैं, कुछ भी है, ऐसा कुछ नहीं है। पल्ले की मोल्डिंग लगा सकते हैं, आपका मोल्डिंग बना सकते हैं, आप रेलिंग मोल्डिंग बना सकते हैं, रेलिंग बना सकते हैं, सारे काम में सबसे ज़्यादा ये यूज़फुल होता है। दरवाजे में प्लाई डालने के लिए गैप भी कर सकते हैं। इस सारे सिस्टम को हम इसीलिए लेके चलते हैं क्योंकि हम आपके लिए इनबॉक्स किया हुआ है, हम आपको दिखा रहे हैं, ये नया रूडर है और नए रूडर में 6 महीने की गारंटी के साथ में ये हमारे पास अवेलेबल है। पारा 12 भी है, पारा 8 भी है, पारा 6 भी है, आपको देख सकते हैं इसमें। और सारे सिस्टम इसके साथ सही दिया हुआ है। और मेरी वीडियो को देखते रहिए, लाइक करते रहिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करते रहिए।